नमस्कार मैं दीपक बंसल मैं अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज मैं क्लास टेंथ के एनसीआरटी मैथ बताने जा रहा हूं दो क्लास हो चुका था एग्जाम्पल और एक्सरसाइज या सिक्स तक क्वेश्चन हो चुका था आज सेवन से मैंने मैं बताने जा रहा हूं देखिए यदि कॉट थीटा इजकअल टू तो से, सेवन बाई एट है तो निकालना क्या है वन प्लस साइन ठिटा इन वन माइनस साइन बाई वन प्लस इन टू वन माइनस कॉस्ट ठिटा निकालना है तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को फार्मूला याद होगा हाँ दोस्त देखो कॉट थीटा बराबर क्या दिया सेवन बाई एट तो आप लोग फार्मूला जा, जानते होइएगा आधार बटा लम्ब होता है तो हम साइन के लिए हमको क्या चाहिए कर्ण चाहिए तो हम कर्ण निकालेंगे क्या कि पहले हम कर्ण निकालते हैं पहले हम कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार कितने देगा सेवन दिए हुआ है सेवन का स्क्वायर कीजिएगा फोर्टी नाइन और एट का स्क्वायर कीजिएगा सिक्सटी फोर तो रूट अंडर इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा थ्री सिक्स और फोर टेन एक हासिल था एवन कर्ण निकल गया अब साइन थीटा निकालेंगे अब साइन थीटा निकालेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लम्बा बटा कर्ण देखो लम्ब लम्ब क्या दिए हुआ है लम्ब कितना है एट है और कर्ण क्या है वन बाय रूट रूट अंडर वन रूट अंडर एक सौ तेरह लम्ब हुआ है एट और कर्ण कितना दिया हुआ है एक सौ तेरह साइन थीटा का मान निकल गया अब कॉस्ट थीटा का मान निकालेंगे कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण आधार दिया हुआ है सेवन और कर्ण क्या है एक सौ तेरह तो तो सवाल सवाल में क्या कह रहा है देखिए सवाल में क्या कह रहा है तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीठा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस्टिटा इंटू वन माइनस कॉस्ट ठीटा निकालना है ठीक तो हम लिखते हैं वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा बटा में वन प्लस कॉस्ट थीटा इंटू वन माइनस कॉस्ट थीटा देखो वन साइन थीटा का मान कितने निकाले हैं एट बाय रूट अंडर एक सौ तेरह एट बाय रूट अंडर एक सौ तेरह इंटू वन माइनस साइन थीटा साइन थीटा मान कितना है एट बाय रूट अंडर एक सौ तेरह रूट अंडर एक सौ तेरह डिवाइडेड वन प्लस कॉस थीटा मान कितना है सेवन बाय रूट अंडर एक सौ तेरह वन माइनस सेवन बाई रूट अंडर एक सौ तेरह देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते हुएगा उम्मीद करता हूँ फार्मूला का अभी हम चर्चा इसमें कर देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये फार्मूला दोस्त आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते हुईगा नहीं जानते आप तो आप नोट कर लीजिए ठीक है देखिए तो ए का स्क्वायर ए क्या हो गया ये ए हुआ और बी क्या हुआ ये हुआ बी तो वन का स्क्वायर माइनस एट बाय रूट अंडर एक सौ तेरह का स्क्वायर तो एट का स्क्वायर कितना एट बाय रूट अंडर एक सौ तेरह इसी का स्क्वायर ना है ए का स्क्वायर और यही फॉर्म नीचे में भी है ए का स्क्वायर माइनस सेवन बाय एक सौ तेरह का रूट अंडर एक सौ तेरह का होल स्क्वायर इसको क्रिया कीजिए वन एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और रूट एक सौ तेरह का स्क्वायर एक सौ तेरह और वन का स्क्वायर वन सेवन की स्क्वायर फोर्टी नाइन रूट एक सौ तेरह का स्क्वायर रूट अंडर एक सौ तेरह का स्क्वायर एक सौ तेरह अब इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्त इसके नीचे में वन के नीचे में कुछ नहीं थे यानी कि वन है कैल्शियम लेंगे एक सौ तेरह होगा तो एक सौ तेरह माइनस फोर सिक्सटी फोर बाई एक सौ तेरह माइनस फोर्टी नाइन एक सौ तेरह हाँ तो इसको देखिए सोल्व कीजिए एक सौ तेरह में से सिक्सटी फोर घटाइए तो फोर्टी नाइन आएगा बाई एक सौ तेरह और एक सौ तेरह में से फोर्टी नाइन घटाइएगा तो सिक्सटी फोर होगा बाय एक सौ तेरह ये से ये कैंसिल आया क्या फोर्टी नाइन फोर आंसर है लो आप लोग का दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा साउंड जा रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए साउंड नहीं आएगा तो आप बताइएगा क्या उस स्थान हम ताकि बढ़ा सके हाँ दोस्त सेवन का ही दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए देखिए तो सवाल में क्या दिया हुआ है कॉट थीटा का मान दिया हुआ सेवन बाई एट तो सेवन बाई एट का होल स्क्वायर सेवन का स्क्वायर किया कितना आएगा फोर्टी नाइन और एट का स्क्वायर किया क्या एट का स्क्वायर की तो क्या आएगा सिक्सटी फोर यही आंसर रहा हाँ दोस्त आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाँ दोस्तों देखिए एट नंबर क्वेश्चन आया यदि थ्री कॉट ए बराबर फोर है तो जांच कीजिए कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजक्ल टू कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं ठीक है दोस्त हम इसको चेक करते हैं देखिए थ्री कॉट ए बराबर फोर दिए हुआ थ्री कॉट ए बराबर फोर दिए हुआ।, हुआ तो कॉट कॉट ए बराबर कॉट ए ए बराबर फोर बाय थ्री दोस्त एक बात आप लोग जानते होइएगा फोर एक्स बराबर फिफ्टीन दिए हुआ है तो एक्स बराबर आप लोग जानते हुए कि फिफ्टीन बट्टा फोर हो जाता है देखो दोस्त अब हमको टेन टेन निकालना होगा तो आप लोग जानते होइएगा कॉट दिए हुआ तो हम टेन आसानी से निकाल सकते हैं क्या है कि टेन का उल्टा होता है कॉट इसको हम इसका वैल्यू है ना उसको हम पलट देते हैं तो टेन का मान आ जाएगा टेन ए बराबर थ्री बाई फोर तो हम वन माइनस टेन स्क्वायर प्लस बाई वन प्लस टेन स्क्वायर का मान निकालेंगे वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए तो माइनस दिया हुआ है टेन का मान कितना निकाले थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर का स्क्वायर क्या होगा थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस डाल दिए टेन का मान कितना आया है थ्री बाई फोर तो इसका हॉल स्क्वायर कहता है तो नाइन बाई सिक्सटीन अच्छा इसको क्रिया कीजिए इस, इसको एलसीएम लीजिए वन और सिक्स का देखो एक दिए हुआ इसका मतलब नहीं कुछ है तो बटा में वन छिपा रहता है सिक्सटीन का एलसीएम लीजिए वन और सिक्सटीन का एलसीएम लीजिएगा सिक्सटीन होगा तो सिक्सटीन माई माइनस नाइन डिवाइड बट्टा फिर सिक्सटीन का सोलह में से नौ जाएगा तो क्या बचेगा सेवन बट्टा सिक्सटीन और इस यहाँ दोस्त नाइन होगा नाइन को जरिए तो क्या ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन देखिए आगे सेवन बाई सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव बाई तो सेवन बाई सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव कैंसिल बचा सेवन बाई ट्वेंटी फाइव देखो तो वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकल गया अब निकालना क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो पहले तो हमको कॉस कॉस निकालने के लिए हमें कर्ण चाहिए तो कर्ण हम पहले निकालेंगे हाँ दोस्तों कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आधार कितने दिए हुआ फोर दिए हुआ तो फोर का स्क्वायर और लंब कितने दिए हुआ थ्री थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर के स्क्वायर सिक्सटीन थ्री का स्क्वायर नाइन रूट अंडर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फाइव का निकाल लिए और निकालिए क्या आएगा था फाइव अब हम साइन निकालेंगे और उसके बाद हम कॉस निकालेंगे साइन ए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लम्बटा कर्न तो साइन सा, कर्ण कितने दिए हुआ फाइव निकाले हैं फाइव लंब क्या दिए हुआ थ्री अब कौश हम निकालेंगे कौश का क्या फार्मूला होता आधार बटा कर्ण कर्ण क्या है फाइव आधार क्या है फोर इन दोनों का मान निकल गया तब क्या कर रहा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालने के लिए माइनस साइन स्क्वायर निकालने के लिए कॉस का मान कितना आया देखिए आप लोग कॉस ए का मान फोर बाई फाइव और साइन का मान थ्री बाय फाइव फोर बाई फाइव का हॉल स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव का हॉल स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बटा में फाइव है तो फाइव का स्क्वायर भी कीजिएगा ट्वेंटी फाइव और थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव अब पच्चीस पच्चीस एल्सियम लीजिएगा तो क्या ट्वेंटी फाइव तो सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन बाई ट्वेंटी फाइव तो क्या कह रहा था वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजक्ल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करता दोनों बराबर है कि नहीं वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस

ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है सेवन बाई ट्वेंटी फाइव वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजकअल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों के मान बराबर है यही हम पूछ रहा था

कौन क्यू समकौन है यदि टेन ए बराबर वन बाय रूट थ्री दिए हुआ दिए हुआ है तो निम्न का मान निकाले पहला क्या कह रहा है साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी दूसरा क्या कह रहा निकालने के लिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान हम निकाल लेंगे तो साइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है लम्बट कर्न तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा टेन का टेन ए का मान दिया वन बाय थ्री से हम कर्ण निकाल लेंगे तो लंब, दोनों भुज, दोनों भुजाओं का स्क्वायर का दो कर्ण का क्या फॉर्मूला था रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर उस उससे हम साइन का मान निकाल जाएगा कॉस का मान निकाल जाएगा तो बन जाएगा देखिए हम अभी सोल हाँ दोस्त कर्ण का क्या फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो लंब क्या दिया वन वन का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री फोर तो कर्ण क्या आ गया टू तो हम साइन साइन ए का हम मान निकाल लेंगे दोस्त साइन ए का मान निकालिए की क्या फॉर्मूला होता है बटा कर्ण तो लंब क्या दिए हुआ है थ्री वन सॉरी वन कर्ण क्या निकाले हैं टू और उसके बाद कॉस ए का मान निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण आधार क्या दिए हुआ रूट थ्री क्या निकाले टू देखिए इसमें साइन ए का मान भी निकल गया मान भी निकल गया तो अब साइन सी और कॉस का मान निकालेंगे अब देखिए निकाल के आपको दिखाएंगे दोस्तों का मान हम निकालेंगे साइन सी का मान कितना रूट अंडर थ्री बाय टू उसके बाद कॉस सी पूछ तो कॉस सी का मान निकालेंगे मान निकालेंगे हाँ तो कॉस सी का मान निकालेंगे तो वन बाय टू होगा वन बाई टू पहला में क्या कर रहा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी देखिए साइन ए का मान कितना निकाले हैं वन बाई टू कॉस सी का मान क्या निकाले हैं वन बाई टू प्लस कॉस ए का मान कितना निकाले हैं रूट अंडर अंडर थ्री थ्री रूट बाई टू इंटू कॉ क्या साइन सी का मान कितना निकाले हैं रूट अंडर थ्री बाई टू इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वन वन से वन वन में वन से मल्टीप्लाई कीजिए की की तो क्या आएगा वन टू से टू में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा फोर प्लस रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थ्री होगा टू से टू में मल्टीप्लाई फोर इसका एलसीएम लीजिएगा तो फोर आएगा वन प्लस थ्री तो फोर बाय फोर कैंसिल यानी कि वन वन आंसर रहा सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता पुछ, है कॉस ए एंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी साइन सी कॉस ए का मान कितना निकाले हैं रूट अंडर थ्री बाई टू

इसमें से घटाएं इसलिए हम काट दिए हैं आप लोग समझिएगा नहीं दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए हाँ दोस्तों टेंथ क्वेश्चन आया त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज्कल टू पच्चीस सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिए हुआ फाइव सेंटीमीटर साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए दोस्त देखिए इसको हम बनाते हैं पाइथागोरस पर में इसमें लागू होगा पी आर प्लस क्यू आर ट्वेंटी फाइव सी एम और दिए हुआ पी क्यू फाइव सी एम तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो क्या कहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण हो यानी कि ये कह रहा समकोण पी क्यू आर पर पर में क्या होता है पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर इजकल टू तो पी आर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इजकल टू तो पी आर का होल स्क्वायर देखो पी क्यू का मान क्या दिए हुआ फाइव सी एम फाइव सी एम क्यू आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर हाँ दोस्त देखिए तो पी क्यू बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं पी आर बराबर पचीस माइनस क्यू आर देखो पी आर प्लस क्यू आर तो इधर ये इधर, इधर प्लस में है ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो पी आर का मान क्या है पच्चीस पाँच का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव क्यू आर का होल स्क्वायर पी आर का मान क्या है ट्वेंटी फाइव माइनस

प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि फिफ्टी क्यू आर देखो दोस्त प्लस इधर अगर तो माइनस आ जाए यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी घट जाएगा ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में होगा पचास क्यू आर इजकल टू ये प्लस में जाए तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सिक्स टू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव तो फिफ्टी क्यू आर बराबर छः सौ क्यू आर बराबर छः सौ बट्टा पचास यानी कि बारह टाइम में कट जाएगा क्यू आर बराबर बारह सेंटीमीटर क्यू आर देखो क्यू आर क्या है बारह सेंटी बारह सेंटीमीटर आ गया और पी क्यू का मान दिया पी क्यू पी क्यू यानि फाइव सेंटीमीटर और और पी आर है देखो क्यू आर पी आर पच्चीस माइनस क्यू आर का मान कितना आया है देखो बारह सेंटीमीटर बारह यानि कि थर्टीन सी एम इसका मान थर्टीन सी एम हो अब हम साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है देखिए साइन पी का मान पी आर कर्ण कितना निकाले थे यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तेरा और साइन टीटा फॉर्मूला क्या होता है लंबा कर्ण लंब क्या था पी से हाँ दोस्तों देखिए साइन पी है तो पी एंगल से हमको देखना है पी एंगल से इसके पड़ोसी वाला आधार होता है जिस एंगल से देखना मतलब निकालना रहेगा ना उसके पड़ोसी वाला आधार होता है और उसके ठीक सामने वाला लंब होता है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ तो थीटा फॉर्मूला जानते हो येगा आप लोग लम बटा कर्ण तो कर्न लम कितना था टी कह रहा था तो कर्ण होता है आधार बटा कर्ण आधार कर्ण कितना निकाले हैं थर्टीन और आधार था फाइव और टेन टेन निकालना है टेन पी टेन फिवरा फॉर्मूला क्या था बटा आधार फाइव ये आंसर रहा दो समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए ताकि हमें समझ आ सके कि आप लोग समझ में आ रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हाँ दोस्त देखिए यार, बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए कथित रहा पहला में टेन ए का मान सदैव एक से कम कम से कम होता है सत्य है कौन ए के कौन ए के किसी मान के लिए सेक एक बराबर बारह पंद्रह देखो दोस्त ये मान बदलते रहते क्या है कि किसी भी एंगल से कहेगा ना तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं तो ये भी सत होगा तीसरा कौश ए कौन ए के कौशेंट के लिए प्रयुक्त तो एक संक्षिप्त रूप है और सत होगा इसका कॉट ए इंड इंड कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है ना ये गलत हो जाएगा है कि एंगल के एंगल का गुना नहीं होता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान फोर बाय थ्री हो सकता नहीं हो सकता क्या कि कर्ण होता है साइन ठिट्टा का फॉर्मूला क्या होता है लम्बट कर्ण तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण हिमा थ्री संभव नहीं है इसलिए असत्य होगा ठीक है दोस्त समझ में आ, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट प्रसनावली एट पॉइंट टू पर हम चलेंगे नेक्स्ट डे